हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। आज हम आते हैं हमारे नए टॉय के साथ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको दिया हुआ है यहाँ पे रियलिस्टिक कंस्ट्रक्शन प्ले, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि स्क्रू ड्राइवर इनसाइड दिया हुआ है। स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है तो मतलब कुछ ओपन करना होगा हमें, एक तरह से ये होता है DIY टॉय। यहाँ पे मेन चीज़ ये आपको अपने आप बनाना है। क्या क्या है इसमें? क्रिएटिव है, किड्स फन है, किड्स आर्ट है और किड्स हैंड का यूज़ किया गया है। सो देख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लोडर हमें दिया हुआ है। लोडर को हमें जैसे यहाँ पे स्क्रू वगैरह दे रखे हैं तो इनको डिसेंबल करना होगा एंड देन असेंबल करना होगा। तो एक तरह से आपके बच्चे की जो क्रिएटिविटी स्किल्स को ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जल्दी से ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है और कैसे हम इसको असेंबल डिसेंबल करेंगे और कैसा स्क्रू ड्राइवर हमें दिया हुआ है। तो ओपन करने से पहले मैं चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मैं कोई भी अगर नई वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। सो यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर आ गया हमारे पास, देख सकते हैं जैसे कि आप, और ये हमारे पास लोडर आ गया। तो लोडर एक नॉर्मली आपका वर्क कर रहा है यहाँ पे, मतलब नॉर्मली जैसे फिक्शन टॉय होते हैं हमारे, वैसे इनको खेल भी सकते हैं और यहाँ पे इसको हम डिसेंबल असेंबल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप, तो यहाँ पे असेंबल डिसेंबल में हमारे पास ये चार व्हील्स आ जाएंगे यहाँ पे इसके। ये आपका लोडर का आगे वाला पार्ट आ जाएगा और एक ही आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डिसेंबल करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले यहाँ से, ये मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है। सो लाइक मैं से बच्चों की तरह खोलता हूँ, बच्चे खोलेंगे इसे घुमा घुमा के। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, मैंने इसको निकाल दिया और ये हमारे पास निकल के यहाँ पे आ गया। तो ये लोडर का आगे वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। नाउ मैं व्हील पे आते हैं। सो एक व्हील हमारा यहाँ पे निकल गया है। सो अब हम नेक्स्ट व्हील पे चलते हैं। दो टायर हमारे पास रह रहे हैं अभी और हम उनको भी डिसेंबल कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हेड पार्ट। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये मेरे पास बॉडी हो गई, ये इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये हमारे चार व्हील हो गया और हमारा आगे का लोडर का पार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इसको हमने डिसेंबल कर दिया है। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी स्किल आएगी, कौन सा पार्ट बच्चों को कहाँ पे असेंबल करना है ये बच्चे सोचेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं असेंबल करने की इसको। अब तो सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं जैसे कि आप। सो ये हमारा पार्ट हो गया। नाउ मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ना, अब हम व्हील्स लगाते हैं एक एक करके।
यहाँ पे निकल भी सकता है, देख सकते हैं जैसे कि आप। सो ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे लोडर असेंबल हो चुका है पूरा। ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अब चारों व्हील्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये हमारा लोडर का के पार्ट आ गया, ये आ गया, ये हमारे पास स्कूटर है। सो फ्रेंड्स, एक क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत अच्छा टॉय रहेगा ये, आपके बच्चे को थोड़ा सा इंगेज रखेगा कैसे इसको कहाँ पे असेंबल करना है। तो आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे तो ये बहुत बहुत पसंद आया, जो बच्चों को थोड़ा सा इंगेज रखेगा। आप अपने कमेंट या फीडबैक नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।